खरगोन जिला अस्पताल में नवजात की मौत के बाद अब आक्रोश की चिंगारी जिला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच गई है। ग्रामीणों ने देर रात तक जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि दो दिन पहले जिला अस्पताल के एक राम घोटिया की प्रसूता के नवजात की मौत हो गई, जिस पर परिजन ने अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही की बात उजागर की और संबंधित अधिकारियों को उचित कार्यवाही करने की बात कही, जिसे लेकर अस्पताल प्रबंधन का घेराव भी किया गया। जिसे लेकर उक्त कार्यवाही से असंतुष्ट ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और भूखे प्यासे रहकर जिला कलेक्टर अनुग्रह पी से मुलाकात करके घटना के लिए जिम्मेदार अस्पताल प्रबंधन पर 3 दिवस में उचित कार्यवाही की बात कही और बताया कि अगर 3 दिन में कार्यवाही नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज हम सुबह 10 बजे से जिला चिकित्सालय में इकट्ठे हुए थे, समाज के हिसाब से आए थे और गैर समाज के भी लोग आए थे। जो पूजा पाटीदार हमारे समाज घोटिया की जो महिला थी, परसों जिसको एडमिट किया था, तो जिन्होंने डॉक्टर बड़ोले के पास इलाज 9 महीने तक इलाज करवाया, 9 महीने के बाद भी उनसे जो डॉक्टर की जो फीस थी वो समय समय फीस भी देते रहे और डॉक्टर बड़ोले ने आखिरी समय जब 9वें महीने आया तो उस समय बोला कि आज इनको भर्ती कर दो, हम शाम को इसको जो डिलीवरी होगी नॉर्मल डिलीवरी जो भी हम देख लेंगे। उनके कहने के अनुसार पूजा पाटीदार घोटिया से ला करके एडमिट करवाया। सुबह से एडमिट करने के बाद में दिन भर हो गया, रात भी हो गई। रात के बाद जब 12 बज गए परिजन आए, वो जो पूजा पाटीदार थी बहुत बिलख रही थी, परेशान थी, दर्द नहीं आ रहे थे। जो नर्सों का ये कहना था कि दर्द आएंगे। उसके बाद परिजन ने जो साथ में उसका पति था उसने डॉक्टर को फ़ोन लगाया कि डॉक्टर साहब आप आ जाइए, आपका ही पेशेंट है, 9 महीने से आपके साथ में हम हैं, आपकी भी मानवता के आधार पर जवाबदारी बनती है, तो क्या मेरी ड्यूटी नहीं है? जब पेशेंट 9 महीने से आपको दिखा रहा है और एट ए टाइम जब दुखद की घटना आती है या कोई ऐसी समस्या आती है, वो कह देते हैं कि हमारे मेरी जवाबदारी नहीं है। उसके बाद इंदिरा गुप्ता मैडम आती है, इंदिरा गुप्ता मैडम कहती है कि अभी दर्द नहीं, अपन सुबह तक देखो नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे। नॉर्मल के बहाने उसको एक बार परिजन ले जा करके परिजन कह रहे भाई सर्जरी करवा दो, जब दिक्कत है या तो पूजा मर जाएगी या बच्चा मर जाएगा। इंदिरा गुप्ता मानती नहीं है, वापस ऑपरेशन थिएटर से वापस ले आते हैं। उसके बाद सुबह जब स्थिति गड़बड़ होती है, अंदर बच्चा मर जाता है, उसके बाद सर्जरी की जाती है। इसीलिए हम आज सुबह से परेशान होते हुए आए। जोशी जी ने हमें आश्वासन दिया था, डाबर जो रजनी डाबर मैडम है उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 घंटे में आपको हम रिपोर्ट दे देंगे। हम सुबह से सब पूरे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, भूखे पासे बैठे हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। चार पाँच बार मैडम से निवेदन किया, ऑफिस दौड़ रहे हैं, उसके बाद समय हो गया, कलेक्टर ऑफिस आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।